एक निजी उद्योग की स्थापना को लेकर गुरुवार को जनसुनवाई का आयोजन किया गया है, जहां हजारों की संख्या में ग्रामीणों में संयंत्र न खोले जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं जनसुनवाई में क्षेत्रीय विधायक शिवरतन शर्मा के साथ कई जनप्रतिनिधियों और ग्रामीण किसानों ने कहा कि यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ के रहवासी कृषि पर ही निर्भर है और क्षेत्रवासी नहीं चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित हो। बता दें कि इसके लिए ग्रामीणों ने SDM और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जनसुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध भी किया था। वहीं ग्रामीणों ने जनसुनवाई के पहले ही प्रस्तावित संयंत्र के विरोध में गांव में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। सभी ग्रामीणों ने कहा कि किसी भी हाल में क्षेत्र में उद्योग लगाने नहीं देंगे। देखिए, जब मौसरी के गांव वालों ने, ग्राम सभा ने इस उद्योग को निरस्त कर दिया तो इस जनसुनवाई का कोई औचित्य नहीं। पूरा गांव विरोध में है, 100% लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। शासन क्या रिपोर्ट भेजता है पता चलेगा। यहाँ तो सबके सामने सारे लोगों ने विरोध दर्ज कराया। अगले विधानसभा में हम पूछ लेंगे ना कि क्या रिपोर्ट भेजेंगे। विरोध है भाई, कंपनी बनाने ही नहीं। आप सब देख सकते हैं कि आजकल खेती के प्रति युवाओं का जोश कम होता जा रहा है और युवा एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब के पीछे भागे जा रहे हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट था, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, लेक्सिकन माइल से मैंने PGDM स्टडी किया है एंड उसके बाद मेरे पास एक वेल सिक्योर्ड जॉब थी 10 लाख की। मैंने उस जॉब को छोड़ा सिर्फ खेती के लिए, क्योंकि हम देख सक रहे हैं कि आजकल के जो युवा हैं वो दूसरे तरफ जा रहे हैं एंड खेती का फ्यूचर में एनालिसिस करके ही मैंने अपना ये फैसला लिया। धन्यवाद।